Hello guys, welcome back to Economics Made Easy channel. So in today's video I'm going to discuss about the Bertrand model. Actually Bertrand model को जो है वो दो पार्ट में बांटा गया है, एक है होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए और दूसरा है हेट्रोजेनस प्रोडक्ट के लिए. सो Bertrand मॉडल जो है हम लोग यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ होमोजेनस प्रोडक्ट के, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ होमोजेनस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो in my previous video I had discussed about, which is Stackelberg model video, so in my previous video I discussed about the concept of first mover advantage and second mover advantage, if you guys have seen that video. So अब हमें पता है कि first mover advantage जो है वो quantity होना चाहिए और मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि मैंने पहले reason बता दिया था उसमें क्या है. but अब आते हैं second mover advantage price के लिए. let us suppose अगर दो मार्केट है, दो फर्म है अगर एक मार्केट में, एंड एक फर्म जो है अपना प्राइस अनाउंस कर देता है पहले. लेट अस से ही अनाउंसेस हिज प्राइस एज 6, पी इक्वल्स टू 6 पर यूनिट, वेयर पी इज प्राइस, ओके. सो यहाँ पे सेकेंड फर्म जो है वो क्या करना चाहेगा, डेफिनेटली वो अपना प्राइस जो है वो 6 से बिलो रखना चाहेगा. मे बी 5.5 रख सकता है, मे बी 5 रख सकता है, मे बी 4 रख सकता है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स वो रख सकता है, ठीक है. अब यहाँ से वो उसको क्या एक एडवांटेज मिल गया, अगर वो सेकंड मूव यहाँ पे चल रहा है, दूसरा फर्म जो अगर वो सेकंड मूव चल रहा है तो उसका एडवांटेज क्या मिल गया कि अब वो ज़्यादा कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर पाएगा, लार्जर मार्केट शेयर ही कैन कैप्चर. एंड ऑब्वियसली ना कि फर्स्ट फर्म जो है वो अब एक बार में अपने प्राइस को 6 से एकदम कम तो नहीं कर देगा, बिकॉज अदरवाइज ही विल लूज हिज क्रेडिबिलिटी, तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता. सो इसीलिए सेकेंड मूव जो है, अगर जब भी प्राइस सेट करना हो तो उसके लिए सेकेंड मूवर एडवांटेज एक होता है हम लोग के लिए कि अगर कोई भी प्राइस अगर एज अ सेकेंड मूव चल रहा है तो वो उसको प्राइस हमेशा चूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो Bertrand मॉडल जो है वो भी इसी पर डिपेंड करता है. हियर फर्म्स चूजेस प्राइसेस इंस्टेड ऑफ क्वांटिटीज. सो Bertrand मॉडल इज काइंड ऑफ, वी कैन से लाइक इट्स अपोजिट टू द Cournot मॉडल. इन Cournot मॉडल हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्वांटिटी हम लोग फिक्स नहीं रखते, मतलब क्वांटिटी हम लोग चूज़ करते हैं एंड रिएक्शन कर्व्स डिराइव करते हैं, एंड इसके बाद अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज क्वांटिटी चूज़ करेंगे रिएक्शन कर्व के अकॉर्डिंग, एंड फिर प्राइस जो है वो दोनों के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, Q1 एंड Q2 पर डिपेंड करता है, जैसा कि हम जानते हैं. Bertrand मॉडल में सब चीज़ सेम होगा, बस वो क्वांटिटी की जगह यहाँ पे प्राइस आ गया, ठीक है. सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट प्राइस शुड ईच फर्म चूज़ इन केस ऑफ डुओपोली मार्केट. सो अगर डुओपोली मार्केट यानी कि अगर दो फर्म है सपोज करो उस मार्केट में, तो दोनों ही फर्म को कौन सा प्राइस चूज़ करना चाहिए, बिकॉज अगर अगर कुछ एक प्राइस चूज़ करता है तो डेफिनेटली दूसरा जो है उससे कम प्राइस चूज़ करके ज़्यादा मार्केट शेयर ले लेगा, ठीक है. सो इस केस में क्या होगा, फिर अगर वो कम किया अपना प्राइस तो फिर फर्स्ट फर्म जो है वो भी कम करेगा अपना प्राइस ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए. ऐसे दोनों जन जो है ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपने पास अपने प्राइस को जो है वो कम करते रहेंगे. एंड डेफिनेटली इस केस में, इन केस ऑफ होमोजेनस गुड्स क्योंकि दोनों जन प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेट्रोजेनस नहीं है, ठीक है ना. सो दोनों के गुड्स भी सिमिलर है तो डेफिनेटली प्राइस जब लो होगा तभी लोग उसी से ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, बिकॉज दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी में दोनों जो है वो सेम है, ठीक है. सो इन केस ऑफ होमोजेनस गुड्स ईच फर्म शुड चूज़ द सेम प्राइस, तो दोनों को सेम प्राइस चूज़ करना होगा अगर उन दोनों को मार्केट में रहना है, अदरवाइज कोई एक ही उनमें से कोई एक ही है जो मार्केट में रह पाएगा, दूसरा जो है वो गिव अप कर देगा, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग MC को जो है वो कंस्टेंट रखें, बिकॉज यहाँ पे एक MC मीन्स मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अब ऑब्वियसली दोनों के मार्जिनल कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है कि दोनों को कितना मार्जिनल कॉस्ट लग रहा है प्रोड्यूस करने में आउटपुट को. फिलहाल के लिए इस Bertrand मॉडल में हमने ऐसा अज्यूम किया कि मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारा आइदर वो सेम है या फिर कंस्टेंट है, ठीक है. हेट्रोजेनस प्रोडक्ट में हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा डिफरेंटली आएगा, बट होमोजेनस प्रोडक्ट में ये बहुत ही सिंपल केस है, ठीक है. सो अब एक जैसे दूसरा क्वेश्चन, नैश इक्विलिब्रियम इन Bertrand मॉडल. अगर हम Bertrand मॉडल में नैश इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे. सो Bertrand मॉडल में नैश इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा. नैश इक्विलिब्रियम जो मैंने कहा है कि नैश इक्विलिब्रियम Equilibrium is kind of win-win situation for both of the firms in case of duopoly market. ठीक है, so यहाँ पे दोनों के लिए win-win situation कौन सा होगा? P equals to MC. अगर दोनों ही अपना प्राइस जो है वो MC के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्योंकि MC दोनों का सेम है, तो दोनों ही अपना प्राइस जो है वो MC के अकॉर्डिंग अगर सेट करते हैं तो ये नैश इक्विलिब्रियम दोनों के लिए फिर दोनों क्या है, हाफ हाफ मार्केट शेयर जो है वो यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है ना, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है. तो इसी कारण नैश इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लोग P इक्वल्स टू MC कहते हैं. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि हम लोग मतलब दोनों जो है वो आपस में जैसे कोई भी डील करके मतलब बोल सकता है कि ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे MC अगर मेरा 5 है, MC का वैल्यू अगर 5 है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस तब कितना हो गया, P इक्वल्स टू 5. तो दोनों ही फर्म को P इक्वल्स टू 5 रखना है, जिससे कि दोनों अपना हाफ हाफ मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर ले. ठीक है, बट अब ये दोनों आपस में डील करके P इक्वल्स टू 5 की जगह P इक्वल्स टू 7 भी तो रख सकते हैं. बट देखो फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगा वापस घूम के कि अगर फिर दोनों जन प्राइस जो है वो 7 रखें तो कोई एक जन थोड़ा ग्रीडी ज़्यादा बन ही सकता है, और फिर मार्केट कैप्चर करने के लिए, ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए वो अपना प्राइस जो है फिर रिड्यूस कर देगा. तो इससे वही प्राइस वॉरफेयर वापस स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर दोनों को वापस P इक्वल्स टू MC पर ही आना पड़ेगा. तो नॉन कोऑपरेटिव गेम यानी कि नैश इक्विलिब्रियम वाले गेम में P इक्वल्स टू MC इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द फर्म्स. ठीक है, सो अब आते हैं, अगर इसको कूर्नोट मॉडल से एक बार कंपेयर करें तो इस चीज़ को कैसे देखेंगे. देखो सो कूर्नोट मॉडल में हमारा प्राइस जो है वो ज़्यादा रहता है बर्टन मॉडल से, बिकॉज बर्टन मॉडल जो है वो प्राइस इक्वल्स टू MC में होता है, बट कूर्नोट मॉडल प्राइस इक्वल्स टू MC में सेट नहीं करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कूर्नोट मॉडल में डेफिनेटली हम लोग आउटपुट जो है वो लेस देन बर्टन मॉडल में प्रोड्यूस करते हैं. बर्टन मॉडल में हम लोग आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज P इक्वल्स टू MC है, तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एकदम मैक्सिमम है. ठीक है, सो ज़्यादा कंज्यूमर को ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू कूर्नोट मॉडल, एंड प्रॉफिट जो है वो कूर्नोट मॉडल में ज़्यादा है इन केस ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल, बिकॉज बर्ट्रैंड मॉडल में क्या है, P इक्वल्स टू MC सेट किया एंड वी नो दैट P इक्वल्स टू MC सेट करने पे हमारा हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं. ठीक है ना, सो इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 होती है वहाँ पे, तो नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं, और इसी कारण कूर्नोट मॉडल में जो है प्रॉफिट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बर्ट्रैंड मॉडल कूर्नोट मॉडल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है. ठीक है, अब एक और चीज़, इम्पॉर्टेंस ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल. इम्पॉर्टेंस क्या है बर्ट्रैंड मॉडल का? सो हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ से देखो बर्ट्रैंड मॉडल और कूर्नोट मॉडल का अगर हम लोग कंपेयर किए तो हम लोग को क्या एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल गया कि हम लोग को क्या चीज़ चूज़ करना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजिक वेरिएबल क्या होना चाहिए. इट शोज़ हाउ द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक वेरिएबल affect firm's profit and equilibrium output. So in case of homogeneous product में अब हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग अगर हम लोग क्वान्टिटी चूज़ करते हैं तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं rather than choosing price first. But heterogeneous product में ये चीज़ थोड़ा differently होगा. So guys wait for my heterogeneous product वाला video in case of Bertrand model. अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.